नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ एजुकेशन, मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट के साथ है। रेल खबर में आप जानने वाले हैं भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास, और भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में आप जानेंगे कि किस प्रकार से आईआर ने, यानी भारतीय रेलवे ने, दिनों दिन अपने आप को डेवलप किया है और आधुनिकता के दौर में बनाए रखने की कोशिश किया है, साथ ही बाजार में उनकी पकड़ बनी हुई रहे और आम लोगों के यात्रा के साधन सर्वसुलभ बने रहे, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए उन्होंने अमूलचूल बदलाव किए हैं। इन्हीं बदलावों में से उन्होंने डेमू और मेमू नाम के दो तरह के इंजनों का परिचालन किया है। देखा जाए तो ये ट्रेनें कम दूरी की यात्रा करने वाली पैसेंजर ट्रेनें हैं और जो धीरे धीरे सामान्य रूप से पैसेंजर ट्रेनों की जगह ले रही है। तो दोस्तों, आजकल कई स्टेशनों पर एक नए तरह की ट्रेनें दिख रही हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे लोग डेमू और मेमू के नाम से जानते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां इसी तरह की दूसरी ट्रेनें दिखती हैं जिन्हें मेमू भी कहते सुना जाता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डेमू और मेमू ट्रेनें क्या हैं और इनमें अंतर क्या है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपके मन से यह संदेह निकल जाएगा और आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी कि मेमू और डेमू ट्रेनें क्या हैं और इन दोनों में फर्क क्या है। तो दोस्तों, ये ट्रेनें आधुनिक है और इनके संचालन में अपेक्षाकृत कम खर्च आता है, अर्थात इन ट्रेनों के निर्माण में और संचालन में कम खर्च आने के वजह से इनका उपयोग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और परंपरागत जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनकी जगह पे ये अपना स्थान ले रही है। ये पारंपरिक ट्रेनों की अपेक्षा हल्की और मजबूत होती है। इन दोनों तरह की ट्रेनों में इनबिल्ट इंजन होता है और इन ट्रेनों में कई समानताएं होते हुए भी इनमें कई ऐसी खूबियां हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं अंतरों को जानेंगे और साथ ही साथ इनकी समानताओं को भी जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डेमू ट्रेनों के बारे में। तो डेमू शब्द अंग्रेजी के DEMU अक्षरों को मिलाकर बना हुआ है। इसका पूरा फॉर्म होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातों को। तो दोस्तों, इन ट्रेनों में चार चार डब्बों की एक यूनिट होती है। एक पूरी ट्रेन में ऐसी 5 यूनिटें होती हैं जिससे इनके डब्बों की कुल संख्या 20 हो जाती है। हर यूनिट का अपना एक इनबिल्ट इंजन होता है। यह लोकल इलेक्ट्रिक ट्रेनों का ही मॉडिफाइड रूप होता है। इसका इंजन डब्बे के फ्लोर के नीचे लगाया जाता है, इसलिए इंजन दिखाई नहीं देता है। डब्बे में बैठने के लिए स्थान में कोई कमी भी नहीं होती है, इसीलिए इस तरह के इंजन को अंडर स्लंग के नाम से जाना जाता है। इसके डब्बों में उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी होती है, अतः इसके लिए प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से इन्हें उन रूटों पर भी चलाया जा सकता है जहां लो लेवल के प्लेटफॉर्म होते हैं। इन्हें डीजल या CNG से भी चलाया जाता है। डीजल या CNG से चलने के वजह इन्हें किसी भी मार्ग पर आसानी से चलाया जा सकता है। साथ ही साथ इनमें एक और खासियत है कि इन ट्रेनों में टॉयलेट यानी शौचालय की सुविधा होती है, अतः इन्हें 4 घंटों से ज्यादा दूरी वाले रूटों पर भी चलाया जा सकता है। डेमू ट्रेनों की तरह मेमू ट्रेन लोकल पैसेंजरों के लिए चलाई जाती है। मेमू मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट के नाम से जाना जाता है, जिसको संक्षेप में मेमू कहते हैं। यह लोकल इलेक्ट्रिक ट्रेनों का ही मॉडिफाई संस्करण होता है। इन ट्रेनों में 4-4 डब्बे की एक यूनिट होती है और इस प्रकार आवश्यकता अनुसार 8 डब्बे या 20 डब्बे
की ट्रेनें चलाई जाती है। प्रत्येक यूनिट में एक इनबिल्ट इंजन होता है। दोनों तरफ मोटरमैन के लिए केबिन बना होता है जहां से वे ट्रेनों का संचालन करते हैं। साथ ही इन्हें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की बात करें तो ये ट्रेनें 25 केवी एसी करंट से चलती है और इसके लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल खंभों के द्वारा पटरियों के किनारे लगाई जाती है। चूंकि ये ट्रेनें बिजली से चलती है अतः इन्हें केवल उन्हीं मार्गों पर चलाया जाता है जो विद्युतीकृत होता है। प्रत्येक यूनिट में एक टॉयलेट की व्यवस्था होती है अतः इन्हें 4 घंटे से ज्यादा लंबे मार्गों पर भी चलाया जा सकता है। साथ ही बात करें तो इनमें फुट स्टेप्स होते हैं अतः इनके लिए लो लेवल प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जाना कि डेमो ट्रेन का मतलब होता है डीजल मल्टीपल यूनिट और यह ट्रेन डीजल इंजन यानी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिकल इंजन से चलती है। इसके अलावा इसमें फुट रेस्ट होता है जिसके वजह से यह वैसे स्टेशनों पर भी रुक सकती है जहां प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, अर्थात इसमें फुट रेस्ट लगा होता है जिसके वजह से यात्री आसानी से इन कोचों से उतर सकते हैं। जबकि मेमू का मतलब होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट और यह ट्रेन विद्युतीकृत ट्रैक पर ही चलती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इनबिल्ट इंजन लगा होता है और इसी वजह से बिजली से ही यह केवल संचालित होती है। अर्थात ऐसे ट्रेनों का संचालन केवल वैसे ही ट्रैकों पर किया जाता है जहां विद्युतीकृत हो। तो इस प्रकार दोस्तों आपने जाना कि मेमू और डेमू ट्रेनों के बीच क्या अंतर है और साथ ही हमने इस वीडियो में बताया कि इनके बीच की समानताएं क्या है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसी प्रकार की रोचक और कमाल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास ही प्रेस करना होगा, बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल करना होगा। साथ ही अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त मित्र सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की एक रोचक और कमाल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।